कई बार बोली है कि मेरे साथ गलत किया, अगर कोई लड़का होगा जल्दी शादी करेगा। अच्छा आप क्या समझते हैं कि किसी लड़की के योनि में इज्जत होती है? मैं नहीं समझती। अगर लड़का गलत किया है तो लड़का का इज्जत जाना चाहिए, लड़की का क्यों जाएगा? तो हमारा समाज क्या लड़की को दोष देते हैं ना कि लड़का को दोष? और प्यार मत करो, वो करेंगे ही, उनको टेस्ट करके देखना है कि होता क्या है। अच्छा ये बताइए तो बेड पे क्यों चले जाते हैं? प्यार तो अमर होता है ना। प्यार हम शादी तक नहीं रुक सकते हैं। एग्जैक्टली रुक सकते हैं। ऐसे ऐसे लड़कियों को भी कहूंगा कि सावधान हो जाओ, कम से कम पूजा के देख के सीखो, कई पूजा ऐसे ऐसे बर्बाद हो रही है। लेकिन सिर्फ लड़कियों को नहीं, मैं लड़कों को भी न्याय दिलवाने का काम करती हूँ। क्यों? लड़कियां गलती नहीं करती है, लड़कियां भी लड़कों के साथ खेलती हैं। एक बार उनका दिल टूट गया, बस अब वो भी यही सोचती है कि हम भी सबका दिल तोड़ेंगे। तो खराब हो, प्यार कर लिए मतलब तुम लोग खराब हो, बेड पे चल गए तुम लोग खराब हो, उस चीज को रोकना कैसे ये कोई नहीं बताएगा। बस उंगली उठा देना कि तुम गलत हो, मतलब हो आ? तो लड़की तो खाली पैसा के लिए करती है, लेकिन यहाँ तो लड़का और पूरा परिवार मिला हुआ था लड़की को ठगने के लिए। अगर नहीं सजा दिलवाती है तो ऐसे ऐसे लड़कों को और मन बढ़ेगा, कई लड़कियां का जिंदगी और भी बर्बाद करेंगे ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं रूपम जो नाम इतना चर्चा में है अभी, क्यों है वो? इसीलिए है कि सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी मैं काम करती हूँ। क्या लड़कियां गलत नहीं होती है? कौन होती है, लड़कियां भी गलत होती है, लड़के भी। नमस्कार, गंगा न्यूज में स्वागत है। आज हमारे साथ एक बार जुड़े हैं रूपम जी, जो कि पूजा के केस में काफी थी और उनको दरभंगा तक उनके लड़के के घर तक भी ले गई थी। सारे मैटर पे बात करेंगे। जो फेसबुकिया पूजा थी ना, जो बोल रही थी कि मेरे साथ लड़का गलत किया, तो उसका शादी भी हो चुका है, ये गई थी, सारे मैटर पे हम बात करेंगे। स्वागत है रूपम जी का। बहुत बहुत शुक्रिया आपके गंगा न्यूज पे और आपके दर्शकों को भी जो मेरी बातों को सुनते हैं और उस पे एक अच्छा रिस्पांस देते हैं। मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए कि पूजा को लेके गई थी वहाँ पे उसके घर पे लड़के वाले के, तो वहाँ के सारे मैटर दर्शक को बताइए। अभी तक ले दर्शक हमारे जाने नहीं कि पूजा के केस में क्या हुआ। जितने हम वीडियो दिखाए थे, दो बार पूजा का वीडियो हम दिखा चुके, तो आप लेके उसके घर पे भी गई थी इंसाफ दिलाने के लिए लड़के वाले के पास में, तो आखिर क्या क्या हुआ वहाँ पे? देखिए, लड़की को मैं दरभंगा लेकर गई थी। दरभंगा जाने के क्रम में पहले मैंने प्रायर इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी कि मैं यहाँ आई हूँ समर्पण फाउंडेशन की टीम से, मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो भी था मैंने बताया। उसके बाद पुलिस वहाँ पे जो है वो सुस्त, पुलिस तो सुस्त है, मैं साफ बोलती हूँ, कानून लचर नहीं है। कानून बहुत बढ़िया है लेकिन पुलिस जो है वो का तो जान ही रहे हैं। उसके बाद हम लोग तुरंत, लड़के का एड्रेस हमारे पास था, एक लड़का जो था, एक पुरुष जो थे, दादाजी कोई थे, वो आपका न्यूज देखे थे, और भी दो तीन मीडिया भाई के लोग थे, उनका भी वो न्यूज देखे थे, और पूजा जो है उसी कपड़े में थी जिस कपड़े में आपने उसका न्यूज बनाया है। वो दादाजी उसको पहचान गए, हमें एड्रेस तो पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन वो एड्रेस, क्योंकि मैं लोकल तो हूँ नहीं दरभंगा की, वो हमें बताए कि लोकेशन ये है, एग्जैक्ट लोकेशन पे वो गाड़ी में हमारे बैठे, हमारे कार में बैठ के फिर उस लोकेशन तक गए, और फिर बोले यही लड़का का घर है। लड़के की माँ का नाम शानो देवी है वहाँ पे, और जो लड़के के पिता हैं उसका नाम है पासवान, कोई पता नहीं क्या पासवान था, भूल गई मैं, होगा हाँ। तो उनके घर पे पहुंची, फिर वहां जब पहुंची ना तो मैं लोगों से पूछताछ करने लगी कि यहाँ पे कोई शानो देवी रहती है? देन दे ऑल आर गिव मी रिप्लाई कि यस रहते हैं। और फिर जब मैं पहुंची उस लोकेशन पे, घर पूछ पूछ के जब पहुंची हूँ, शानो देवी माता का नाम है और उनका नाम है महावीर पासवान, जो कि डीएमसीएच के क्वार्टर में रहते हैं। पहुंचा उनके रूम तक, पहुंची एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच गई तो देखे उसके पिताजी ही सामने खड़े। तो मैं पूछी कि, क्योंकि मैं श्योर तो थी नहीं, मैंने फोटो नहीं देखा था, मैंने पूछा आप ही महावीर पासवान है? तो बोला यस। तब हमारे चेहरे पे जो खुशी थी ना, उसका ठिकाना नहीं था कि चलो मिल गए। अब हमें खोज थी लड़के की, क्योंकि हमें खबर मिली थी, सूत्रों से पता चला था कि लड़का आया हुआ है, और लड़का वही था। लड़का अपनी बहन को लेकर कुछ काम से बाहर गया हुआ था, तो लड़के को खबर दिया उसके पिता ने, तुरंत फोन करके तुरंत देखे कि खबर दे रहा है, तो लड़का छुप गया, नहीं आया उस समय, नहीं आया।
फिर लड़के को बार बार फिर उसके पिता बुलाने ही लगे कि आओ आओ। जैसे ही पूजा देखी, उसका चिल्लाना, उसका गरगराना सुने ही होंगे न्यूज पे जितना चला है, थोड़ा दिखा गरगराना। दीजिए दर्शकों को। देखिए ये पूजा है जो कि रो रही है, क्या बोल रही है, मम्मी अरे मम्मी हमको मार दीजिए, हम यही मरना चाहते हैं, हमको यही मरना है। अरे बाबू उठो उठो उठो, मजबूत रहना है, मजबूत रहना, उठो 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 बाबू। देखिए चलिए, ये पूजा थी फेसबुकिया प्यार वाली, जो घर का हम लोग तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए कि वहां पे कैसे क्या हो रहा था। गाने गा रही है ये, देखिए वो लड़का सीन गाना गाता था ना, वो गाना ये गा रही है, ये गाना ये गाता था। अब ये फ्रेंडली है, लड़का गाना गाता था। उधर जाइए ना, उधर जाइए ना, भगवान है ना, आप लोग जितने देख रहे हैं, जो लगातार हमारे चैनल पर चल रहा था फेसबुकिया प्यार वाली पूजा, उसके साथ जो गलत हुआ था, उसका अभी शादी हो चुका है, घर पे जाने के पता जी। और उसके पिता इतने बदतमीज, कहते हैं उनसे पूछा गया पहचानते तो बोलते नहीं, लेकिन पूछा गया नानी का नंबर का, तो हाँ नानी से बात होती थी। अच्छा एक बात रही, जब लड़की को जानते ही नहीं, तो नानी से कैसे बात हो गई? हाँ, लड़की से जब 5 लाख रुपया दहेज नहीं निपट निपट सका इनका, तब बेटी का बेटा का शादी कहीं और कर दिए। आप बताइए, वो पिता सबसे बर्बाद, तो उसके पिता और माँ है, बिल्कुल 3 जिंदगियां बर्बाद की। बिल्कुल। अब क्या लगता है उसकी पत्नी, जो अभी करंट पत्नी है, उसको पता भी होगा क्या? अब पता चला होगा, नहीं तो उसको पता था क्या ये सब? कुछ नहीं पता होगा उसको। अच्छा ये बताइए कि अब पूजा का क्या होगा, वो बता दीजिए दर्शक। पूजा तो बर्बाद हो गई ना एक तरह से। बर्बाद क्यों होगी, एक नया वो तो आबाद हो गई। वहां के स्थानीय लोग बोल रहे थे कि अच्छा हुआ इस घर में तुमने शादी नहीं किया, यदि तुम करती तो यहाँ सरवाइव नहीं कर पाती। खुद उस वहां के लोग, बहुत सारे, एक दो लोग नहीं, 10-15 लोग, लोगों ने बार बार, महिला पुरुष, बोले कि अच्छा हुआ बेटा कि तुमने यहाँ शादी नहीं की, ये सही नहीं है, ये घर सही नहीं है। पूजा पे तो उंगली उठ गया ना, एक प्रेम बर्बाद हो गया ना, एक मतलब कि जो होता है कलंक लग गया ना। कलंक क्या लगेगा, इसको हम कलंक क्यों बोलते हैं, हम तो क्यों, प्यार यही कलंक, में अजानते यही कलंक ना, ना जाने कितने लड़के लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। कितनी लड़कियां चुप बैठ जाती है कि नहीं, वो मीडिया, पुलिस थाना, वकील, कचहरी, कोर्ट कचहरी नहीं करना है। तो क्या करेगी, इज्जत को अपना सरेआम लीलाम करेगी अच्छा, मीडिया एक बात बताइए, इसमें कौन सा इज्जत है, क्यों नहीं है? नहीं है, कई बार बोली है कि मेरे साथ गलत किया, अगर कोई लड़का होगा जल्दी शादी करेगा। अच्छा आप क्या समझते हैं कि किसी लड़की के योनि में इज्जत होती है? मैं नहीं समझती। अगर लड़का गलत किया है तो लड़का का इज्जत जाना चाहिए, लड़की का क्यों जाएगा? हमारा समाज क्या लड़की को दोष देते हैं ना कि लड़का को? वही तो समाज गलत करता है, आप दोनों को दोषी ठहराइए, ना कि सिर्फ लड़की। आप कहते हैं कि लड़का कर दिया तो लड़का पे उंगली क्यों नहीं उठेगा, लड़का ऐसा किया है तो उठेगा ही, उठना ही चाहिए। इसमें ज्यादा लड़की ना बर्बाद हुई, घर से गई, अपने जो चाहने वाला था वो वहां से गई, समाज से भी गई, कितने लोग कितने कमेंट अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, बताइए। एक बात बताइए, मैंने पढ़ा है कमेंट, उस लड़की को बहलाने फुसलाने वाला सिर्फ वो लड़का नहीं, जब बल्कि उस FIR को मैं दिखाऊंगी, अभी रुक जाइए, FIR में उस सिर्फ लड़के का नाम नहीं दिया है, उसका पिता जो है वो एहसास दिलाता था कि मैं तुम्हारा ससुर हूँ,
उसकी बहन जो है वो एहसास दिलाती थी कि तुम्हारी ननद हूँ, उसकी माँ है जो उसे एहसास दिलाती थी कि मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ। और ये एहसास दिलाते हुए ना जाने लड़की से कितने रुपए ठगे। अगर वही लड़की की होती ठगी ना, तो लड़की तो खाली पैसा के लिए करती है, लेकिन यहाँ तो लड़का और पूरा परिवार मिला हुआ था लड़की को ठगने के लिए। तो आप ये देखिए ना, मान लिया समाज को बदलना है ना भैया, तो हम ऐसा क्यों कहते हैं सिर्फ लड़की। तो आप अभी किस तरीके से उनको सजा दिलाएंगी, ये पर पूजा को इंसाफ कैसे मिलेगा? कोर्ट में सारा कुछ हो रहा है, FIR दर्ज हो गई है धनबाद महिला थाना में। अब इसको आगे प्रोसीडिंग में हम लोग लेके जाएंगे और लड़के पर और उसके पूरे परिवार पे हम लोग FIR करवाए हैं लड़की को बोल के। अब जिस दिन पहला प्रोसीडिंग होगा उस दिन मैं धनबाद जाऊंगी और लड़के को कड़ा से कड़ा सजा दिलवाऊंगी। जो भी प्रावधान होंगे उस अकॉर्डिंग उसको सजा मिलनी चाहिए और दिलवाएंगे भी जो कानून में प्रावधान है। अगर नहीं सजा दिलवाते तो ऐसे ऐसे लड़कों को और मन बढ़ेगा, कई लड़कियां का जिंदगी और भी बर्बाद करेंगे ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं रूपम जो नाम इतना चर्चा में है अभी क्यों है, वो इसीलिए है कि सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं लड़कों के लिए भी मैं काम करती हूँ। क्या लड़कियां गलत नहीं होती है? ऑफकोर्स होती है, लड़कियां भी गलत होती है, लड़के भी। लेकिन हम अब ये देखिए, अब हमारा समाज जो है ना बहुत बदल चुका है। आपके दर्शकों को मैं बोलूंगी हाथ जोड़ के कि सिर्फ लड़कियों को टारगेट मत करो, लड़के भी सच्चा प्यार करते हैं, जैसे देख लीजिए SDM वाला खेल में हुआ ना। बिल्कुल, तो आज के डेट में लड़का गलत है तो लड़की भी गलत है, लड़की गलत है तो लड़का भी गलत है। अच्छा, ऐसे ऐसे लोगों को क्या कहेंगी, ऐसे ऐसे लड़कियां या लड़के को क्या कहेंगी, जो कि आजकल प्रेम ज्यादा चल रहा है, फेसबुकिया प्यार देखिएगा तो लगातार चल रहा है, कुछ ओपन हो जा रहा है, कुछ अंदर अंदर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज पे बहुत गलत असर भी पड़ रहा है, तो ऐसे ऐसे लोगों को क्या यहाँ से अपने संदेश देंगे? मैं बता रही हूँ, एक मिनट। हाँ, समर्पण फाउंडेशन की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मेरा काम, हमारा NGO हर लेवल पे काम करता है। और जो सवाल आप कर रहे हैं कि क्या संदेश देना चाहो, आप कितना भी कह लीजिए ना दर्शकों को अरे प्यार मत करो, वो करेंगे ही, उनको टेस्ट करके देखना है कि होता क्या है। अच्छा, ये बताइए तो बेड पे क्यों चले जाते हैं? प्यार तो अमर होता है ना। प्यार हम शादी तक नहीं रुक सकते हैं। एग्जैक्टली रुक सकते हैं, लेकिन ये लड़कियां भी बेवकूफ होती है, मैं बेवकूफ कहूंगी, जस्ट बिकॉज कि ये इतना भरोसा कर लेती है ना, क्योंकि भगवान ने इनको ऐसा ही बनाया है, इतना भरोसा कर लेती है। अगर उसको एहसास दिला दिया जाए कि मेरा पति है तो पति ही है, तो पति है, शादी नहीं तो कैसे हो गया पति? देखिए, वो कानून ना जानता है कि कानून की अगर अकॉर्डिंग देखे तो कैसे हो गया, कोई प्रूफ ही नहीं है। लेकिन मोरल व्यू अगर देखा जाए, जो लड़कियों का दिल जो है वो आपके दर्शक भी समझ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे दर्शक जरूर होंगे कि ऐसी लड़कियों के साथ खेल कर रहे होंगे। वही लड़के कमेंट में करते हैं, कमेंट में लिखते हैं कि सही हुआ लड़की के साथ, क्योंकि वो कर रहे होंगे तभी वो लिखते हैं कि सही ऐसा। तो लड़कियां भी आजकल की तेज हो गई है, बहुत तेज हो गई है, लेकिन जो तेज नहीं हुई है वो आज भी मात खा जाती है। तो उन सारे लोगों के लिए है, मैं काउंसलिंग अच्छा करती हूँ और काउंसलिंग से लोगों को ठीक करने का काम करती हूँ। ठीक इन द सेंस कि उन जो रास्ता वो भटक रहे हैं उस रास्ते से उनको सही ट्रैक पर लाने का काम करती हूँ। और अगर किसी को मेरा सहायता चाहिए, मेरी सलाह चाहिए, मेरी टीम है, बहुत बड़ी टीम है मेरी, उस टीम से मिलकर उनको मैं सलाह देती हूँ, अकेले भी देती हूँ। और सलाह छोड़िए ना, सलाह तो दुनिया देता है, बिना फीस का वकील तो सब बनता है, लेकिन एक रास्ता बताने वाला ना, आज यंग युवाओं को रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। लोग यही डायरेक्ट बोल के निकल जाता है, अरे तुम प्यार में तुम फंसे थे, जाओ तुम लोग खराब हो, प्यार कर लिए मतलब तुम लोग खराब हो, बेड पे चल गए तुम लोग खराब हो। उस चीज को रोकना कैसे ये कोई नहीं बताएगा, बस उंगली उठा देना है कि तुम गलत हो, मतलब हो, लेकिन उस उंगली को कैसे रोकना है, कैसे चलने सिखाना है, वो कोई नहीं बताता। तो वही काम मैं कर रही हूँ और उस रास्ते पे चलकर मैं कई युवाओं की मदद की भी हूँ और कर भी रही हूँ। आप जैसे मीडिया भाइयों का भी मैं मदद लेती हूँ और शायद मैं फ्यूचर में आपका भी मदद लूंगी, क्योंकि देखिए कानूनी पे अगर दाव पेच खेलूं तो वहां पे मैं नॉलेजेबल हूं, लेकिन सामाजिक बात करूं ना तो आप भैया मेरे से बड़े हैं, हो सकता है कुछ चीजों में आपको मेरे से ज्यादा ज्ञान हो, तो उस चीजों में मैं आपका नॉलेज क्यों ना लूं, क्यों ना आपको उस मेडिएशन में बैठाऊं जब मैं काउंसलिंग कर रही हूं।
है ना, क्योंकि आप रिपोर्टिंग करते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, तो आपको पता होगा कि यहाँ तक पहुँचने में जो उम्र है ना, वो उम्र का पड़ाव काफी कुछ गलतियां करवा देता है ना। तो मैं आपका भी हेल्प ले सकती हूँ, तो इसके लिए मैं एक नंबर जारी कर रही हूँ, हेल्पलाइन नंबर। हाँ, हो सकता है मैं अभी ना उठाऊं, अभी बहुत सारे 200-300 कॉल आ रहे हैं इसी नंबर पे, तो अभी अटेंड नहीं कर पा रही, जैसे कि आप वीडियो ले रहे हैं और मैं नहीं कर पा रही हूँ, काम कर रही हूँ, एक मैं समय बांध रही हूँ, उस समय में आप कॉल करिएगा, मैं डेफिनेटली उठाऊंगी 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, 1.5 घंटा के बीच में जो भी मेरे पास कॉल आएगा मैं उसको पिक करूंगी। बाई चांस नहीं करूंगी तो कुछ कारणवश होगा, लेकिन मैं कॉल बैक 100% करूंगी। चलिए, मैं स्क्रीन पे चला दूंगा, नंबर दिखाने का जरूरत नहीं है, हमको दे दीजिएगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आप पूजा की लड़ाई लड़ रही हैं, ऐसे ऐसे लड़कों को सजा दिलवाने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ऐसे माता पिता को भी आप सजा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे ऐसे लड़कियों को भी कहूंगा कि सावधान हो जाओ, कम से कम पूजा को देख के सीखो, कई पूजा ऐसे ऐसे बर्बाद हो रही है। लेकिन सिर्फ लड़कियों को नहीं, मैं लड़कों को भी न्याय दिलवाने का काम करती हूँ। क्यों, लड़कियां गलती नहीं करती है, लड़कियां भी लड़कों के साथ खेलती हैं। एक बार उनका दिल टूट गया, बस अब वो भी यही सोचती है कि हम भी सबका दिल तोड़ेंगे, तो ये गलत है। अगर कोई लड़का भी इस तरीके से परेशान है, आइए, मैं आपकी मदद करूंगी, और विश्वास रखिए मुझ पे, विश्वास। ऐसे अब फोन पे आप बोलिए कि मैम फोन पे ही सारा डिस्कशन कर ले, तो वो सही नहीं है ना। आप ऑफिस पे आइए, 1-on-1 करके बात करते हैं, वो ज्यादा समझ में आएगा। फोन आप कर रहे हैं, टन टन बज रहा है, तो कैसे समझ में आएगा, और मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है। सामने आइए, बैठिए मेरे ऑफिस में, मैं आपसे 1-on-1 करूंगी, और भी लोगों से मिलवाऊंगी, आपको रास्ता दिखाने का काम करूंगी, न्याय दिलवाने का काम करूंगी कोर्ट से। बाकी नमस्ते। चलिए, ये थी रूपम जी, अब वकालत की पढ़ाई कर रही हैं, अपना राय जरूर दीजिएगा कि इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, पूजा के बारे में क्या सोचते हैं, पूजा का काफी ये मदद कर रही हैं कि न्याय मिल जाए। और सभी लोग सिर्फ पूजा ही क्यों, लोग सोचेंगे सिर्फ एक पूजा, नहीं, मैं बहुत सारे केसेस देखती हूँ। अभी तो हम पूजा के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो पूजा का ही बात करेंगे, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम में किसी और का बात करेंगे तो नेक्स्ट टाइम किसी और का भी बात करेंगे। आप तो सबका मदद करती हैं, ये तो हमें पता है, चाहे दर्शक लोग भी जानते हैं, क्योंकि काफी आप मीडिया में चल रही है इस टाइम, तो अपना राय जरूर दीजिएगा पूजा के बारे में। उसका तो जीवन आप लोग समझिए रहे हैं क्या हो गया, और उनके परिवार वालों को, लड़के वालों को क्या सजा होनी चाहिए, ऐसे ऐसे जो गलती कर रहे हैं, कि आइंदा कोई दोबारा फिर ऐसा गलती करने की कोशिश ना करे। धन्यवाद। मैं कैमरामैन सहयोगी के साथ संजय कुमार, पटना, बिहार।